हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। सो आज का कुछ प्लान ये है कि दोस्तों मेरा भाई अभी घर पे है नहीं, वो हुआ है नानी के, और मैं और मम्मी घर पे अकेले हैं बहुत। देखिए फ्रेंड्स, ये हैं चने, ये हैं बाजरे, और इसमें हैं मूंग, हरे वाले मूंग और चने। सो फ्रेंड्स, आपको दिखाया कि हमने क्या क्या भिगो के रख रखा है, अब दिखाया ये सब हमारे घर में कल बनने वाला है। मैं बनाऊँगी मेरे लिए राजगिरी का जो आटा होता है जो हम व्रत में लेते हैं उसकी रोटी, क्योंकि मेरे को आज सिंपल रोटी खाने का बिल्कुल नहीं है। सो मैं आज वो खाऊंगी और आपको दिखाऊंगी उसकी प्रिपरेशन, मैं किस तरह से बनाती हूँ उसे। अगर आपको भी वो रोटी अच्छी लगती हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फास्ट में तो उसे सभी लोग खाते हैं, आप खुद भी खाते होंगे, सो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। सो फ्रेंड्स, ये है सिर्फ राजगिरी का आटा, इसकी होंगी चपाती, तो मैंने एक चपाती बना ली है यहाँ पर, सिर्फ चुका ऑलमोस्ट मेरी चपाती। अब इसे मुझे तरफ वापस से फोल्ड करना है, ऐसे से गई है, मैं इसे ही खाऊंगी यार, क्योंकि मुझे गेहूँ की चपाती नहीं लेकिन अच्छा, इसलिए मैंने ये बनाई है। हम पहले इसके गोल लोई बनाएंगे, लोई बन चुकी है, को हमने थोड़ा सा ऑयल लगा के इस तरह से बेल दिया है, थोड़ा सा ऑयल इस पर डाल दिया है। अभी जो रोटी है मैं इसको इस पर डाल दूंगी, थोड़े से पानी के साथ इसे वापस से मुझे करना होगा, थोड़ा फैलाना होगा, पानी से अच्छी हो जाएगी।